गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। वहाँ पे हमने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जब आप ट्रांजैक्शन को करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके जर्नल इंक्लूड होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके लेजर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम जब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस समझ रहे हैं तो हम यहाँ पे जर्नल और लेजर्स की बात करेंगे। तो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है और फिर जर्नल से उसे पोस्ट किया जाता है लेजर में विद दी हेल्प ऑफ जर्नल। तो जर्नल को इसीलिए आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, क्योंकि जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन अकर होती है तो उसे सबसे पहले रिकॉर्ड जर्नल बुक में किया जाता है और फिर जर्नल से उसे आप लेजर में पोस्ट करते हो क्लासिफाई करके। तो जो लेजर है उसे प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल की। जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल बुक है आपकी ओरिजिनल एंट्री की, जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज और सीरियल वाइज। जर्नल जो टर्म है वो डेराइव्ड हुई है फ्रेंच वर्ड से जोर, जिसका मतलब है डे। डे बुक भी इसका दूसरा नाम है। जर्नल को जो दूसरे नाम से जाना जाता है दैट इज़ डे बुक। तो जो भी बुक्स हैं, जर्नल बुक जो भी है, उसमें आप रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की डेली ट्रांजैक्शन सीरियल वाइज एंड डेट वाइज। और वो जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं उसे आप रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या है जर्नल की? अकॉर्डिंग टू एलसी क्रूपर, अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन्स इन अ फॉर्म कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन दी लेजर। देन बात करते हैं फॉर्मेट क्या है जर्नल का। जर्नल में जो कॉलम्स बनाए जाते हैं, फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, देन नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, देन लेजर फोलियो का नंबर, देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो डेट का जो कॉलम है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का जो कॉलम है, इस कॉलम में आप डेट लिखेंगे, सबसे ऊपर ईयर लिखा जाता है, ईयर के नीचे मंथ लिखा जाएगा और उसके बाद डेट लिखी जाएगी। और ये जो डेट है हर एक पेज पे लिखी जाएगी आपकी, हर एक जो भी आपकी पर्टिकुलर्स में आप एंट्री लिख रहे हो उसके आगे आपने डेट लिखनी है। तो ईयर और मंथ लिखा जाता है बिगनिंग में हर एक पेज के, और जो मंथ है, जब मंथ चेंज हो जाएगा तो आप जो नाम है मंथ का वो चेंज कर देते हैं, उसे दोबारा से आप लिखते हैं। देन कॉलम है पर्टिकुलर्स का, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जर्नल का। यहाँ पे जो भी अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उसकी एंट्री आप यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट होता है वो लिखा जाता है और उस अकाउंट के नेम लिखने के बाद उसके पीछे आप डी आर वर्ड डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखते हैं, और उसके नीचे आप जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो लिखते हैं। टू लिख के आप उस आगे अकाउंट का नाम लिखते हैं जो क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके आगे हम क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये अकाउंट क्रेडिट है? उस अकाउंट के आगे आप टू वर्ड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में आप डेबिट जो एस्पेक्ट है एंट्री का वो लिखते हैं, और सेकेंड लाइन में आप जो भी आपका क्रेडिट की एस्पेक्ट है एंट्री का वो लिखते हैं। देन जो नेक्स्ट कॉलम है लेजर फोलियो, आप अभी हमने ऊपर बात की कि जो जर्नल है, जर्नल बुक से आप एंट्रीज ट्रांसफ़र करते हो लेजर में। लेजर में होता क्या है? लेजर बुक में, लेजर बुक में हर एक आइटम जो है आपकी उसका आप अलग अकाउंट बनाते हैं। हर एक जो आइटम है उसका जब आपने अलग अकाउंट बनाया तो उसे आप अलग अलग पेज पर बनाएंगे। जैसे पेज नंबर 1 पे मैंने राम का अकाउंट बनाया हुआ है, पेज नंबर 2 पे मैंने श्याम का अकाउंट बनाया हुआ है। इस तरीके से डिफरेंट जो पेजेस हैं आप उस पर डिफरेंट डिफरेंट हर एक इंडिविजुअल रियल आइटम है या फिर आपका नॉमिनल आइटम है उसका आप अकाउंट बनाते हैं।
और वहाँ पे आप जर्नल से एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। तो आप लेजर के जिस पेज नंबर पर जर्नल एंट्री का इफेक्ट पोस्ट कर रहे हैं वो पेज नंबर आपका लेजर फोलियो में लिखा जाता है। सेम तरीके से जब आप लेजर्स बनाते हैं तो वहाँ पे जो लेजर्स का फॉर्मेट है वहाँ पे जर्नल फोलियो का कॉलम आएगा। वहाँ जर्नल फोलियो के कॉलम में आप जर्नल की जो बुक है वहाँ से आपकी जो पर्टिकुलर से जर्नल के जिस पेज नंबर से या जिस एंट्री नंबर से आपने उस जर्नल के इफेक्ट दिया है लेजर में, तो लेजर में आप वो जर्नल फोलियो नंबर लिखते हैं। द नेक्स्ट है अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो जो भी ट्रांजेक्शन का अमाउंट डेबिट है वो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे और जो भी क्रेडिट है वो क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मेट जर्नल का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, दैट इज़ जब आप पर्टिकुलर्स लिखते हैं, जब आप एंट्री लिखते हैं तो उसके नीचे आपको नरेशन लिखनी होती है। नरेशन बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन होती है ट्रांजेक्शन की ब्रीफ में, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है। देन आते हैं हमारे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। दो ट्रांजेक्शन्स, जो भी कोई एक ट्रांजेक्शन हो रही है वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। तीन अकाउंट्स को भी इफेक्ट कर सकती है नो डाउट, बट एटलीस्ट दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे हर एक ट्रांजेक्शन से डबल एंट्री सिस्टम में। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये जब हम दो अकाउंट्स के इफेक्ट होने की बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि तीन अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं या चार अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो इफेक्ट होने का मतलब है जो डेबिट और क्रेडिट है, एक कोई नंबर ऑफ अकाउंट्स डेबिट हो सकते हैं और नंबर ऑफ अकाउंट्स क्रेडिट हो सकते हैं। जैसे सपोज हम कंपाउंड एंट्री लिख रहे हैं तो हमने उसमें दो अकाउंट्स को डेबिट कर दिया और एक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो वहाँ पे तीन अकाउंट्स के ऊपर हमने उसके इफेक्ट को दिखाया। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एटलीस्ट टू अकाउंट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन से। एक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और जो दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। तो रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के, उससे जानने से पहले हमारे पास जो अकाउंट्स हैं हम उन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारा रियल अकाउंट और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स जो पर्सन नेचुरल पर्सन्स जो होते हैं, जो भी कोई इंडिविजुअल है उसके अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं, जैसे रवि है, शास्त्री है या कोई और इंडिविजुअल पर्सन है। रियल अकाउंट्स में हम जो भी हमारी आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं या हमारी गुड्स होती हैं या हमारे ऑब्जेक्ट्स जैसे आप कह सकते होते हैं, उनको हम रियल अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपका फर्नीचर का अकाउंट हो गया, आपका गुड्स का अकाउंट हो गया, आपका कंप्यूटर का अकाउंट हो गया, तो जो भी आपकी एसेट्स होती हैं उनका जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो भी आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेंस होते हैं उन वो सारी चीज़ें आपके नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो अब हम इनके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स में जो रूल फॉलो होता है, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देन रियल अकाउंट्स में जो रूल फॉलो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट्स के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो इनका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। सपोज आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पर्सन है जिसने गुड्स को रिसीव किया, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ट्रांजेक्शन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसीवर कौन है पर्सन और गिवर कौन है। जैसे सपोज 26,000 वॉज पेड टू रवि, 26,000 रुपीज़ आपने पे किए रवि को, ये ट्रांजेक्शन हुई। तो दो अकाउंट्स जो यहाँ से इफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ कि आपने पे किया तो कैश में आपके पास से गया और दूसरा रवि को पे किया आपने, तो दो चीज़ें यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में हुई। आपके पास से कैश गया और रवि ने कैश को रिसीव किया। अब
किस टाइप के अकाउंट्स यहाँ पे इंक्लूड है। रवि आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है दैट इज कैश, वो आपका एसेट अकाउंट है, क्योंकि कैश आपका क्या है, एसेट है। तो एसेट किस में आती है, रियल अकाउंट में। तो जो कैश है आपका वो रियल नेचर का है, रियल अकाउंट के नेचर का है। तो रवि ने रिसीव किया तो पर्सनल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो रवि का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, रवि अकाउंट डेबिट। और कैश आपके पास से गया तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश अकाउंट, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 26,000 रुपीज़। सेम तरीके से नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि आपने ₹1,12,000 रिसीव्ड फ्रॉम विजय, आपने कैश रिसीव किया विजय से। दो अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट एंड विजय अकाउंट। कैश आपके पास आया तो रूल क्या फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। और गिवर कौन है, विजय है, तो टू विजय अकाउंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय 1,12,000। अब रियल अकाउंट के लिए एक देख लेते हैं। वैसे ये जो हमने एंट्री की है यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट का भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर आपने परचेज किया 38,500 का, आपने कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर अकाउंट आपका क्या है, एसेट अकाउंट हो गया। एसेट अकाउंट्स किसके नेचर के अंडर आते हैं, रियल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। तो कंप्यूटर आपने परचेज किया तो आपके पास कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 38,500। देन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स को हम इंक्लूड करते हैं। जो भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनके अकाउंट्स को हम डेबिट करते हैं, जबकि जो भी हमारी इनकम्स एंड गेन्स हैं उनके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8,500 पेड फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए आपने पे किया 8,500 रुपीज़। तो दो अकाउंट जो इफेक्ट हुए, दैट इज इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस हुआ और कैश आपने पे किया 8,500। तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और कैश आपके पास से गया, रियल अकाउंट का नेचर है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,500। सेम तरीके से अगला एग्जाम्पल, 12,100 रुपीज रिसीव्ड ऑफ कमीशन, कमीशन आपने रिसीव किए, रिसीव किए तो आपकी जो कमीशन है वो इनकम हुई। अगर यहाँ पे पेड लिखा होता कमीशन, तो कमीशन आपका एक्सपेंस माना जाता। तो यहाँ रिसीव और जो पेड वर्ड है, कई बार वो भी आइडेंटिफाई करता है कि जो पर्टिकुलर आइटम है उसे आपने एक्सपेंस मानना है या इनकम माननी है। तो यहाँ पे आपने कमीशन रिसीव किया है, तो कमीशन रिसीव आपका क्या होगा, इनकम होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो ये थे आपके रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। देन नेक्स्ट आइटम जो हमारा है डिस्काउंट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।